मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। डिप्टी सीएम सिसोदिया से शराब घोटाले मामले को लेकर कई सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे पहले भी सीबीआई ने सिसोदिया को समन भेजा था, लेकिन उन्होंने बजट का हवाला देते हुए सीबीआई से वक्त मांगा था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी भी कर दी है। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा करती आई है कि वो एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हालांकि शराब घोटाला मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद से आपकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सीबीआई सिसोदिया से आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं, शराब कारोबारियों के साथ उनके कथित संबंधों और गवाहों के बयानों में किए गए दावों के बारे में पूछताछ करेगी। अधिकारियों ने बताया कि सिसोदिया के करीबी सहयोगी दिनेश अरोड़ा के इकबालिया बयानों और साउथ लॉबी के कथित सदस्यों से पूछताछ से हासिल हुई सूचना के आधार पर सीबीआई ने आप नेता के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की है। साउथ लॉबी राजनेताओं और शराब कारोबारियों की एक मंडली है जिन्होंने आबकारी नीति कथित तौर पर अपने पक्ष में कर ली थी। यह आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस प्रदान करने की दिल्ली सरकार की नीति कुछ खास डीलर के पक्ष में थी जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। दरअसल अगस्त 2022 में सीबीआई ने डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर पर लगातार 14 घंटे तक छापेमारी की। जांच एजेंसी सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की जिसमें सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज है। सिसोदिया पर आरोप ये है कि शराब की दुकान के लिए प्राइवेट वेंडर्स को 144,36,00,000 रुपए का लाभ पहुंचाया था। आरोप ये भी है कि उन्होंने कमीशन लेकर लाइसेंस शुल्क भी माफ कर दी जिसकी वजह से सरकार को नुकसान झेलना पड़ा। डिप्टी सीएम सिसोदिया पर एक आरोप यह भी है कि उन्होंने कैबिनेट और उपराज्यपाल की सहमति के बिना ही कई बड़े फैसले लिए। सीबीआई ने 14 घंटे की इस एक्शन के दौरान मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर और पर्सनल डॉक्यूमेंट सीज कर लिया। शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने पहले भी दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। साल 2022 में 17 अक्टूबर को सीबीआई ने सिसोदिया से तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद 25 नवंबर को जांच एजेंसी की तरफ से पहला आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। हालांकि इसमें मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं था। सीबीआई ने 19 फरवरी 2023 को डिप्टी सीएम को समन भेजा था। बहरहाल डिप्टी सीएम ने बजट बनाने का हवाला देते हुए कुछ दिन का वक्त मांगा। सीबीआई ने वक्त देते हुए 26 फरवरी यानी आज हेड ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। डिप्टी सीएम ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा था कि वो इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।